अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है आज, चैप्टर नंबर 10 जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर का जो टाइटल है इसका क्या मतलब है। एक्सचेंज जैसे हम कहते हैं चेंज करना, एक चीज देना और दूसरी लेके आना। गैशियस मीन गैसेस। अब यहां से आपको पता चल गया होगा गैस का एक्सचेंज कि जैसे हम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहे हैं। ये है गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनका हमने एक्सचेंज किया है कि एक चीज लेके आ रहे हैं और दूसरी दे रहे हैं। दिस इज गैसेस एक्सचेंज। आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, क्लास 9 में, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्लांट्स में, हमारे ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जब हम फूड खा रहे हैं तो उस फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, बहुत कुछ है। तो अब वो जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, अब क्या होता है, उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है कि जो फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करता है। और जब रिएक्शन हो जाता है तो जो ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो ब्रेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, साथ में वाटर हमें मिलता है और साथ हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमारे जो है वो हो रहा है, हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, सेल्स में हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं कि हमने ऑक्सीजन को लिया। क्यों ऑक्सीजन ले रहे हैं? ताकि जो फूड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको हम ब्रेक करें। क्यों ब्रेक करें? उनसे एनर्जी लेने के लिए। और जब वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक की तो उन्होंने क्या डिस्चार्ज किया एनर्जी के अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ये है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। और इसका दूसरा नाम आपने सांस लेना, जिसको हम ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के टर्म इसके लिए यूज करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। डोंट कंफ्यूज ब्रीथिंग विद सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीथिंग है जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ब्रीथिंग। ये फिजिकल फेनोमिना है हमारा, मैकेनिकल फिनोमिना है कि हम अपने लंग्स को मूव कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं, ये फिजिकल फिनोमिना है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन अलग चीज है। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी, टू गेट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो केमिकल फिनोमिना है। केमिकल फिनोमिना किस तरह से? क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड्स टूट रही हैं, वो केमिकल फिनोमिना है। मैकेनिकल तो है ही लेकिन साथ केमिकल फिनोमिना भी है। लेकिन ब्रीथिंग जस्ट एक फिजिकल मैकेनिकल फिनोमिना है। तो ये हमारे पास ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन थी, गैसियस एक्सचेंज जो हम पढ़े थे। ये बेसिकली बस हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है कि ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है, प्लांट्स में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। जैसे हम में, तो हम में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? हमारे लंग्स के जरिए, लंग्स हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारे नोज, माउथ, नेजल कैविटी, ट्रेकिया और ये ट्यूब्स जो होती हैं ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हमें हेल्प आउट कर रही है। अब प्लांट्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है? प्लांट्स में इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर प्लांट्स में हम बात करें यंग स्टेम्स और लीव्स की, तो जो यंग स्टेम्स और लीव्स हैं उनमें क्या होता है, जो लीव्स में उनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है स्ट्रोमेटा पोर्स, उनकी जो एपिडर्मस है लीफ की, ये एक लीफ है, इसकी ये जो एपिडर्मस है, इस एपिडर्मस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, सुराख प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, तो वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो ओपन होते हैं तो गैसेज एक्सचेंज में होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये तो बात हो गई यंग स्टेम्स और लीव्स की कि उनमें गैसेज एक्सचेंज किन के जरिए हो रहा है, स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा के बारे में भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था। स्टोमेटा क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मस में, लीव्स की और यंग स्टेम्स की एपिडर्मस में, तो उनमें इस तरह से हो रहा है। उसके अलावा जो लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाली साइड पे सेल्स जो प्रेजेंट हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उन मेसोफिल सेल्स में गैसेज एक्सचेंज इस तरह से होता है कि उन मेसोफिल सेल के दरमियान में स्पेस प्रेजेंट होती है, और जिसको हम एयर स्पेस कहते हैं, उन एयर स्पेस के जरिए भी गैसेज एक्सचेंज होता है। ये यंग स्टेम से तो हमने कहा स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है, लेकिन कुछ मेच्योर प्लांट्स प्रेजेंट, मेच्योर स्टेम्स होती हैं, वुडी स्टेम्स, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, पुराने पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो वुड होती है, जो स्टेम पे वुड होती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बार्क जिसको हम कहते हैं, तना, बार्क बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसमें स्ट्रोमेटा क्योंकि सॉफ्ट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां भी क्या होता है कि उन बार्क में, उस वुडी स्टेम में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं, और इन लेंटिसल्स के जरिए गैसेज एक्सचेंज होता है। इस तरह से हमारे पास प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। ये मैंने बताया है एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे मेसोफिल सेल्स होते हैं, फिर लोअर एपिडर्मस और स्ट्रोमेटा। तो इस तरह से प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। अब प्लांट्स में जैसे आपको पता है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता ही है, जो फूड तैयार करने का प्रोसेस है प्लांट्स में, कि डे टाइम में सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेंगे, एनवायरमेंट से लेंगे, वाटर हम उनको देंगे, तो क्या होगा कि वो फूड की सिंथेसिस हो जाएगी, फूड बन जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर देंगे, और फिर उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे जब अपनी, जाहिर है उन्होंने एनर्जी भी लेनी है, प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत है, फिर वो उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे अपने प्लांट्स के अंदर जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए, और फिर एनर्जी लेंगे, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी रेस्पिरेशन से, फिर प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? जैसा आपको पता है कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में नहीं होता क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो अब सुबह के टाइम तो फोटोसिंथेसिस हो रही है और प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्सहेल कर रहे हैं, वो प्लांट्स उन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट हो जाती है। अब रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, फिर क्या होता है कि वो जो प्लांट्स हैं वो उनमें उल्टा जो है ना वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, वो फिर ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कहते हैं कि रात को आप दरख्तों के नीचे नहीं सोएं क्योंकि सफोकेशन हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि रात के टाइम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं रहा, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो फिर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है। तो ये आज हमने गैसेज एक्सचेंज पढ़ा है प्लांट्स में, कल हम गैसेज एक्सचेंज ह्यूमंस में पढ़ेंगे। बस आपको तीन चार चीजें याद करने की जरूरत है कि एक तो ये कि यंग स्टेम्स में और रूट्स में कैसे गैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं थ्रू स्टोमेटा, फिर हमने कहा मेच्योर स्टेम्स में और रूट्स में वुडी स्टेम्स में गैसेज एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है लेंटिसल्स के जरिए, जो यंग रूट्स हैं उनमें गैसेज एक्सचेंज वो भी उनमें पोर्स के जरिए होगा, तो ये, और दूसरा ये कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में सुबह के टाइम हो रहा है और सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है जिसकी वजह से
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन रात के टाइम चूंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को देना शुरू कर देते हैं और वहां से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। ये आज हमने पढ़ा है गैसेज एक्सचेंज के बारे में प्लांट्स में, कल इंशाल्लाह हम ह्यूमंस में गैसेज एक्सचेंज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।